हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज की इस वीडियो में मैं आपको ग्रुप कंपनी क्रिएट करना बताऊंगी, जिसमें हम मल्टीपल कंपनीज़ के अकाउंट्स को कंसोलिडेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं दो कंपनीज़ में काम कर रखा है और मैं एक साथ उन कंपनीज़ के ट्रायल बैलेंस को चेक करना चाहती हूँ, बैलेंस शीट को चेक करना चाहती हूँ, तो वो जो अकाउंट्स आपको शो करेगा वो आपको दोनों कंपनीज़ के सेपरेट भी करेगा और आपको कंसोलिडेट करके भी एक साथ शो करता है। तो उसके लिए हम ग्रुप कंपनी को यूज़ करते हैं। ग्रुप कंपनी को यूज़ करने के लिए आपके पास सबसे पहले जो आपकी दो कंपनीज़ हैं जिसमें आपने काम किया हुआ है वो आपकी ओपन होनी चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने दो कंपनीज़ अपनी ओपन कर रखी हैं जिसमें मेरा काम हो रखा है, ARX कंपनी एंड ZZZ कंपनी। ये दो मैंने कंपनी नेम से बना रखी है, ठीक है। अब आपने इसको ग्रुप कंपनी बनाना है, आपने इन दोनों के लिए एक ग्रुप कंपनी क्रिएट करनी है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऑल्ट एफ थ्री प्रेस करना होगा। जब आप यहाँ पे ऑल्ट एफ थ्री प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है क्रिएट ग्रुप कंपनी। जब आप क्रिएट ग्रुप कंपनी पे एंटर करते हैं तो यहाँ पे नेम में आप दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिया ARX एंड ZZZ कंपनी। ये मैंने एक ग्रुप कंपनी का नेम दे दिया जिसमें मैंने अपनी दोनों कंपनीज का नेम रख दिया। जॉइंट नेम कुछ भी रख सकते हैं आप, एड्रेस आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, स्टेट आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, अपनी डिटेल्स दे सकते हैं। देन यहाँ पे अपनी मेंबर्स कंपनी सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मेरी मेंबर कंपनी, मैंने एक ही ग्रुप कंपनी में मेरी मेंबर्स कौन कौन सी कंपनीज हैं, ये दोनों कंपनीज के अकाउंट्स मुझे कंसॉलिडेट चाहिए। तो हम यहाँ पर देखिए, अब मेरे पास दो कंपनीज तो ओपन हो रखी थी, ARX एंड ZZZ, और एक मेरी यहाँ पर ग्रुप कंपनी क्रिएट होगी जिसमें मेरा दोनों कंपनी शो हो रही हैं, ARX और ZZZ। अब अगर हम ये जो सिंगल सिंगल कंपनीज है अगर मैं इनको शट भी कर देती हूँ तो देखिए यहाँ से शट कंपनी में जाके, अब यहाँ पे देखिए मेरी एक कंपनी बन गई है ARX एंड ZZZ कंपनी, मेरी दोनों कंपनी ज्वाइंट हो गई हैं। तो हम क्या करते हैं, अब ARX कंपनी को शट कर देते हैं, देन ZZZ को भी शट कर देते हैं। स्टिल मेरी दोनों कंपनीज ओपन हो रखी हैं इस ग्रुप कंपनी के अंडर। तो अगर मैं ARX कंपनी में कोई काम करना चाहती हूँ या मैं ZZZ कंपनी में काम करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करके इसको कर सकती हूँ, ओके। देन अगर हमें यहाँ पे देखिए, अगर आप ग्रुप कंपनी आपने सेलेक्ट किया हुआ है और आप इनके ग्रुप्स के अकाउंट्स को आप देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए हम ट्रायल बैलेंस चेक कर रहे हैं, ऑल्ट एफ वन करके आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं। मैंने कुछ एंट्रीज जस्ट डेमो के लिए ले रखी है यहाँ पे। अब देखिए अगर मेरे को यहाँ पर अपनी अलग अलग कंपनी वाइज डिटेल चाहिए तो आप यहाँ से ऑल्ट सी प्रेस कर, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए नेम ऑफ कंपनी में ARX एंड ZZZ का ये जो मेरे पास ट्रायल बैलेंस आ रही है, मेरे पास कंबाइन आ रहा है। ARX में मैंने जो एंट्रीज कर रखी है वो और ZZZ में जो मैंने एंट्रीज कर रखी है वो, उसका कंबाइन ट्रायल बैलेंस है ये। अगर मैं अलग अलग देखना चाहती हूँ तो ऑल्ट सी प्रेस करिए और यहाँ से आप ARX कंपनी को सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए अब यहाँ पे मेरे पास ARX कंपनी का जो अलग से आ रहा है वो उसका सेपरेट आ रहा है और ये मेरे पास कंसोलिडेट आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं ZZZ कंपनी का भी ओपन करना चाहूँ तो यहाँ से आप ZZZ कंपनी को ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे प्राइमरी लेके ये देखिए ये मेरा कंसोलिडेट आ रहा है और ये मेरा सेपरेट जो बैलेंसेज हैं वो आ रहे हैं। तो ऐसे आप बहुत सारी मल्टीपल आपकी जो कंपनीज़ हैं उनके अकाउंट्स को आप कंसोलिडेट करके चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आपने अलग अलग ब्रांचेस के लिए अलग अलग आपने कंपनीज़ बना रखी हैं, आपने कॉल सेंटर यूज़ नहीं करा हुआ, तो आप अगर उनको एक साथ चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसके थ्रू चेक कर सकते हैं। ऐसे जैसे मैंने ट्रायल बैलेंस चेक किया है वैसे ही अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस पर आते हैं तो सेम ऐसे ही प्रोसेस है। यहाँ पे ऑल्ट एफ वन करके देन ऑल्ट सी करके यहाँ अलग कंपनीज का प्रॉफिट एंड लॉस भी सेपरेट भी देख सकते हैं और कंबाइन भी देख सकते हैं। ऐसी बैलेंस शीट अगर आपको चेक करनी है बैलेंस शीट भी चेक कर सकते हैं। मतलब हम ग्रुप कंपनी के थ्रू अपने जितनी भी मल्टीपल कंपनीज हैं, जो भी हमारी मेंबर्स कंपनीज हैं, उनका हम अलग अलग अकाउंट्स को सेपरेट भी चेक कर पाएंगे और कंसोलिडेट अकाउंट करके भी उनके सारे जो अकाउंट बैलेंस है वो सब कंसोलिडेट होके भी चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया, आप करके देखिएगा। अगर कोई भी डाउट है प्लीज़ पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।